हाय फ्रेंड्स, हम हैं टीम जेगो और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ जेसोप बी। पावर स्क्रबर है, डिश वॉश करने के लिए स्क्रबर है, पावर टूल्स है, चार सेल से ऑपरेट होता है और वाटरप्रूफ है। आइए देखते हैं क्या है और किस तरह से वर्क करता है। ये बुकलेट है, यूजर मैनुअल है, एक जेसोप बी मेन यूनिट है, एक अलग किस्म का स्क्रबर है और ये अलग है, और ये ब्रश है। तीन स्क्रबर रहते हैं। देखते हैं ये स्क्रबर किस तरह से वर्क करता है और क्या करता है। ये डबल ए साइज के चार सेल से ऑपरेट होता है। सेल को सेट करने के लिए इसको खाली प्रेस ही पुल ही करना है, और यहाँ पे डिटेल दिखाई है, इस हिसाब से प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से हमें सेल अटैच कर देना है। हाँ, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से। ये अटैच होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ा था ना, तो इसमें लिखा है कि आहिस्ता से ये सेट करना है। अगर वो नहीं जा रहा है तो उसको काफ़ी प्रेस नहीं करना है, जैसे कि टूट सकता है हैंडल। ये हैंडल लटकाने के लिए आई थिंक लगता है, किचन पे अगर लटकाना है तो लटका भी सकते हैं। वाटर प्रूफ है। ये है इसका स्विच, ये आई थिंक इस पे लिखा है ये वाटर प्रूफ है और बिल्ड क्वालिटी तो अच्छा है। वन टाइम पे चालू होता है, वन टाइम पे बंद होता है। ये क्या है कि ऐसा ऐसा करके रगड़ना नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से तो ऐसा ऐसा करना ही ठीक है, पर नया टूल है, आप ट्राई कर सकते हैं कुछ नया। ये सब प्रोडक्ट डिज़ाइनर नए नए प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, अपने हिसाब से मार्केट में लाते हैं। वैसे काम की चीज़ें, अगर ज़्यादा काम रहता है तो ये काम की चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, टू व्हील चलाते टाइम हेलमेट का यूज़ करें, फोर व्हील के टाइम सीट बेल्ट बांधे, कचरा हमेशा डस्टबिन में डाले, स्वच्छ भारत में अपना योगदान दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। Have a great buying also if you want to buy.